कल दोस्तों आपने प्रयागराज वाली घटना देख ली होगी। मतलब प्रयागराज में दोस्तों कल जब स्टूडेंट के रूम में घुस के उन्हें मारा गया, मतलब दोस्तों आप सोच कर देखिए, कल वो वीडियो जब आई थी ना दोस्तों, मतलब देखकर लगा कि क्या बताएं और क्या होगा, कुछ बचा है इसके अलावा? मतलब दोस्तों उनके रूम में घुस के उन बच्चों को दोस्तों, मतलब जिस प्रकार एक आतंकवादी नक्सली नहीं होते हैं क्या दोस्तों, उन्हें मारा जाता है, इस प्रकार का बिहेव उनके साथ कल किया गया। कोई सी नौकरी हो दोस्तों, कोई नौकरी किसी बच्चे को गाली देने का अधिकार नहीं देती है क्या? कोई भी नौकरी हो, किसी स्टूडेंट को गाली देने का और माँ बहन की गाली देने का तो अधिकार उसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप सोच के देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड से भी एक रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आप सभी से भी कि ये स्टूडेंट आपके ही परिवार, आपके ही घर से हैं, थोड़ा ध्यान रखिए इनका और गाली जैसे शब्दों का उपयोग ना हो। जीवन पुष्प छड़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। और आप सब भी ध्यान रखिए कि मतलब भारत की संपत्ति हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट आप सभी को, ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद।